संग्राम सिंह एक ऐसी शख्सियत जिसकी जिंदगी ही एक संग्राम है, जिसने हर नाउम्मीदी को न केवल उम्मीद में बदल डाला बल्कि निराशा के घनघोर अंधेरे को पार करते हुए अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बदौलत खुद की जिंदगी को रोशनी से चकाचौंध कर डाला। दुनिया जिस संग्राम सिंह को जानती है वो इंटरवल के बाद की आधी कहानी है, क्योंकि संग्राम सिंह बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जी हाँ, आप जिस संग्राम सिंह को जानते हैं उनका असली नाम संजीत कुमार है। उनका जन्म हरियाणा के रोहतक जिले के मदीना गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। संजीत का जन्म एक प्रीमेच्योर बच्चे के रूप में हुआ था। संजीत बचपन से गठिया और लकवा से पीड़ित थे। उनकी बीमारी कुछ इस कदर थी कि देश के शीर्ष मेडिकल संस्थानों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टरों ने उनके परिजनों को ये कहकर डरा दिया कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी। नतीजतन उन्हें बचपन में ही व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा, लेकिन बालक संजीत ने हार नहीं मानी और वो कई सालों तक देशी और घरेलू नुस्खों के साथ उपचार करते हुए न केवल आगे बढ़े बल्कि लाइलाज बीमारी को दूर कर खुद को इस काबिल बनाया कि वो अखाड़े के बेजोड़ पहलवान बन गए। साल 2001 में इन्होंने हरियाणा में पहलवानी का खिताब जीता। साल 2003 में ही इन्होंने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता भी जीती। दो साल बाद साल 2005 में इन्होंने सीनियर विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में भारत का